ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, आज पहले मैंने एक वीडियो दिया था मेरी पंचकर्म चिकित्सा पर, तो मेरे दर्शकों ने मांग की थी कि आगे आपकी और क्या चिकित्सा चलेगी, कृपया हमें बताएं। तो उसी विषय पे मैं आपको वीडियो देने जा रही हूँ कि पहले मैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी तो 26 दिसंबर को हुई थी, और उसके एक महीने बाद मैं पुनः अस्पताल में भर्ती हुई 26 जनवरी को, और 26 जनवरी से करीब 20 फरवरी को मैं निकली हूँ अस्पताल से बाहर। मतलब मैं 26 दिन करीब अस्पताल में थी, और 26 दिन में मेरा क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, मैंने क्या क्या किया, चलो आपको उसकी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से दर्शकों की मांग थी। हाँ, कुछ लोगों को इसमें बोर होता है, कुछ को अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगे वो देखे, जिसको बोर आ रहा हो बंद कर दे, मुझे कोई फर्क समस्या नहीं है, क्योंकि जो मांग करते हैं हम उसके लिए वीडियो बनाते हैं, जो नहीं देखना चाहते हम उसके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मित्रों, जिस दिन 26 तारीख को मैं एडमिट हुई तो मुझे सबसे पहले दूध पे लाया गया, कहा गया खाओ तो दूध पियो तो पानी, और मैं करीब 5 दिन दूध और पानी पे ही थी। तो तीसरे दिन मेरा पेट बहुत पूरी तरह से जाम हो गया, मतलब मेरा पेट साफ होने को तैयार ही नहीं है, दस्त होने को तैयार ही नहीं है, पेट साफ दस्त क्या मतलब किसी भी तरह पेट साफ होने को तैयार नहीं था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई भी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने कोई रिप्लाई नहीं किया, 2 दिन और जाने दिए। फिर मैंने फिर बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, मेरा शरीर बहुत भारी हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, और इससे लगता है कि मेरे को गर्मी बढ़ रही है। तो उन्होंने मेरी दवा चालू कर दी। उसके बाद उन्होंने मेरे को दिया सुदर्शन घनवटी, चार गोली दिन में, चार बार में, एक एक गोली चार बार में, उसके साथ दिया गंधक रसायन, दो दो गोली चार बार में, और उसके साथ दिया मुझे 10 ग्राम जितना ये आविपत्ति कर चूर्ण, और रात को वो लेना था। ये मेरी औषधियाँ चालू हुई, और साथ में मुझे उन्होंने कहा कि आप दूध रोटी खाना चालू कर दो, जौ की रोटी आप खाएंगे, और आप एक बार 2 बार दूध रोटी खा लो। तो मैंने दूध रोटी चालू किया, दिन भर में 1.5 लीटर जितना दूध मैं लेती थी, और उसके साथ करीब 4-5 रोटी मैं खा लेती थी, क्योंकि मुझे दूध तो मेरा मेन था, खाना ही था मुझे। मुझे सब्जी आदि मना किया था, मुझे नमक बंद करा गया था कि स्किन रोग में नमक नहीं दिया जाता, वैसे भी अस्पताल के खाने में नमक बहुत कम होता है, तीखा और मिर्ची थोड़ी ज्यादा, तीखा और क्या तेल थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कई बार खराब लगता है, मतलब पेशेंट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, पर हाँ फिर भी लोगों को वहाँ के खाना वो फीका लगता था, मुझे समझ में नहीं आता तो कितना लोग तीखा खाते हैं, छोड़िए। तो ये मेरा जो शुरुआत हुई ट्रीटमेंट की, इस तरह मेरा ट्रीटमेंट आगे बढ़ा, और वो जो दवाइयाँ मुझे दी गई, अब 8 तारीख को 26 तारीख से मैं एडमिट थी दूध रोटी पर, 5 दिन दूध पानी पर, फिर आगे दूध रोटी पर मैं चल रही थी। उसके बाद मुझे 8 तारीख को अमित भाई ने कहा, अमित शाह जो वहाँ के डॉक्टर हैं, कि अमित भाई ने बोला कि आपको हम स्नेहपान चालू करवाते हैं। मैं कहा आपकी इच्छा है, मैं कहा मुझे तो ठीक होना, आप जैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो अपने आप को आपको सौंप दिया कि भाई आप जैसे करो मुझे ठीक करो, इसलिए मैं पूछ भी नहीं रही मुझे कब भेजोगे क्या है, कि पूछूं कैसे जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि मैं घर आऊँगी तो मुझे डर ये था कि मेरा भाई कहीं मुझे एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना ले जाए, तो मुझे घर नहीं आना था, तो मुझे ठीक होकर ही घर आना था। फिर क्या हुआ कि मैंने वो डॉक्टर ने बोला, तो शनिवार से, मतलब शनिवार करीब जो 9 तारीख थी, 9 तारीख से मेरा स्नेहपान चालू हुआ, और ईश्वर मुझे शतावर घृत से स्नेहपान करवाया गया। शतावर घृत मुझे पहले दिन 30 ग्राम, दूसरे दिन 60 ग्राम, तीसरे दिन 90 नहीं दूसरे दिन 50 ग्राम, तीसरे दिन 90 ग्राम, चौथे दिन 110 ग्राम, पांचवें दिन 170 ग्राम, छठे दिन 210 ग्राम, और सातवें दिन 230 ग्राम दिया गया। इस तरह मेरा स्नेहपान हुआ, और स्नेहपान जब स्नेहपान दिया जाता है, घी दिया जाता है, तो उस समय ये कहा जाता है कि इसके बाद आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है और टहलना है, तो और जब तक डकारा है तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। और मेरे साथ समस्या होती थी, मुझे समस्या कहो जो भी कहो, मुझे डकार ही नहीं आते थे, और घी हजम हो जाता था, और उस तरह 7 दिन निकल गए। 7 दिन के बाद मुझे अभ्यंग किया गया, अभ्यंग मतलब पूरे शरीर में मालिश करना, मुझे घी की मालिश की गई, यही शतावर घृत की मालिश की गई, और मालिश नहीं की गई, मुझे घी लगाया गया, क्योंकि मुझे मालिश से थोड़ी समस्या हो जाती है, कभी कभी चमड़ी सूख जाती है तो मुझे खुजली उड़ जाती थी, तो क्योंकि सर्दी का मौसम था, सूखा सूखा था, तो पहले ऐसा हो चुका था, इसलिए डॉक्टर ने इस बार मुझे बोला सीधा घी लगा के स्नान कर लेंगे, मुझे रुकना नहीं था, तो घी लगा के स्नान कर लेती थी मैं, और इस तरह मेरा 3 दिन हो गए। उसके बाद मुझे करीब ये जो करीब नहीं आज 19 तारीख को मुझे विरेचन दिया गया। विरेचन ने मुझे ये त्रिवृत्त अवले के साथ त्रिवृत्त अवले और वो हड़े को हाथ में दिया गया, और मुझे सुबह करीब 9:30-9:30 बजे ये दिया गया। उसके बाद करीब 2 घंटे बीत गए, मैंने करीब 2-2.5 लीटर पानी पी गया, पर मेरा पेट साफ होना चालू नहीं हुआ। फिर जो एक बार चालू हुआ तो फिर होता चला गया, और मैंने करीब दिन भर में करीब 4:30 बजे तक मुझे 20
19-20 दस्त हो गए थे, और रात भर को मिलाओ तो 24 दस्त मुझे हो गए थे, मतलब शाम तक मिलाओ तो 8-9 बजे तक। और मतलब उसके बाद भी यदि सांस मेरी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि उस समय ऐसा लगा यहाँ कुछ अटक गया, यदि वॉमिट हो जाती तो मैं क्लियर हो जाती, पर उल्टी हुई नहीं मुझे, तो यहाँ वो 2 दिन अटका ही रहा, ऐसा लग रहा था मुझे सांस नहीं आ रही है, और मैं उसमें कमज़ोर पड़ रही थी। और उसके बाद जो मुझे गैस हुआ इतना भयंकर, वो मुझे डकारी भी बहुत आ रही और नीचे से भी गैस पास हो रही थी, उस दिन तो नहीं हुई क्योंकि उस दिन तो पानी निकल रहा था। हाँ, रात को जो बीती रात जो गई मेरी, उस दिन भयंकर गैस हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैं कितने सालों से मुझे पेट जाम पड़ा है और वो निकल रहा है, तो मतलब ऐसा हुआ। और उसके बाद अभी आज स्थिति काफ़ी सामान्य, क्योंकि यहाँ जो अटका था वो भी निकल गया है, अभी निकल गया, बहुत नीचे महसूस हो रहा तो इतना उसका एहसास नहीं है, तो काफ़ी हद तक हल्का हो गया। तो आज मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत आ गई, तो आज मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, शायद इस ऐसे जो वीडियो मिलेंगे ऐसा आज के ही मिलेंगे आपको, इस घर में जो ये बैकग्राउंड है इसमें, दोनों चैनल के लिए बनाए हैं, क्योंकि आज हिम्मत पड़ी है तो वीडियो बना लिए हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो ये मेरा जो ट्रीटमेंट चला वो इस तरीके से चला, और मतलब मैं आपको बताऊं तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की चमक काफ़ी चेंज हो गई है, जो मैं सूजा हुआ चेहरा लेके गई थी एकदम सामान्य चेहरा लेके वहाँ से आई हूँ, जो चमड़ी मेरी झड़ रही थी चमड़ी झड़ना पूरा बंद हो गई है। हाँ, अभी जलन थोड़ी बाकी, जलन थोड़ी नहीं काफ़ी बाकी है, कि मैं जहाँ लेट जाती हूँ वो जगह मेरी पूरी गर्म हो जाती है, मैं कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं लेट नहीं पाती हूँ, और लेटने के उठती हूँ तो उस समय में खुजली बहुत होती है, क्योंकि जलन गर्मी के कारण वो खुजली चालू हो जाती है मुझे। मैं प्लास्टिक पे नहीं बैठ पाती, मैं कांच पे नहीं बैठ पाती, मैं बिस्तर पे नहीं बैठ पाती, मुझे कहाँ जहीं भी बैठना है तो मुझे सिर्फ एक इस पे मैं बैठ पाती हूँ, जैसे लकड़ी का कुछ हो उस पे मैं बैठ पाती हूँ। अभी मैं लकड़ी की चौकी पे बैठी हूँ, पहले वीडियो बनाया था कुर्सी पे बैठ के, मुझे भयंकर जलन होने लग गई थी तो मुझे उस पे तुरंत उठना पड़ गया और हो गई मेरे अंदर से। तो इस तरह मेरी अभी वर्तमान स्थिति है, पर हाँ, डॉक्टर ने मुझे समय दिया है, बोले आपको 2 साल ट्रीटमेंट लेना होगा, 2 साल का समय आपको लगेगा। तो मेरा ट्रीटमेंट जो चल रहा है, पहली बार जब मैं अस्पताल से निकली थी मित्रों, दूसरी बार मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी निकलनी थी, गर्मी निकालने के लिए सब चीज़ें होनी है, तो मुझे अंदाज़ था कि क्या हो रहा है, तो मुझे कोई डर नहीं था। पर इस बार जब मैं निकली हूँ तो पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में निकली हूँ, मतलब सर में डैंड्रफ जैसा था, भाभी बोली कि सर में डैंड्रफ हो गया है, क्योंकि मैं अपनी चोटी नहीं बना पा रही थी, अभी भी चोटी भाभी बना के देती है, भाभी के ही हूँ मैं, तो भाभी चोटी बना के देती है, घर में तो मैं चोटी बना ही नहीं पाती, फिर मुझे बाल लपेट लेने पड़ते हैं, इससे तो बाल मैंने और कटवा दी, क्योंकि चोटी बनाते ही नहीं बनती है। तो क्या है कि ऐसी स्थिति मेरी हो गई है, हाँ, पर पहले से सुधार ये है कि भाई चमड़ी झड़ना जैसा कि बोला बंद हो गया है, चेहरा ठीक हो गया है, और मतलब कुछ तकलीफें बची हैं, उनको ठीक होने में समय लगेगा मैं जानती हूँ, पर मुझे एलोपैथिक दवा नहीं खानी है, क्योंकि पंगा क्या है, यदि वो मैं खाऊंगी स्टेरॉइड खाऊंगी तो स्टेरॉइड के असर वापस ये आयुर्वेद में आके निकालने पड़ेंगे, तो उसमें समय अधिक लग जाएगा, इसलिए मुझे वो दवाइयाँ नहीं खानी है, उनसे बचना है, तो मुझे डॉक्टर की हर बात माननी है। अभी मेरे 4 दिन के लिए मुझे यहाँ रखा है, जो डॉक्टर ने बोला कि आप 4 दिन अभी मुंबई मत जाओ, क्योंकि आप मुंबई चले जाते तो मुझे आपकी स्थिति नहीं पता चलती है, तो मैं 4 दिन अभी अहमदाबाद में ही हूँ, शनिवार तक मैं अहमदाबाद में हूँ, मतलब शनिवार बोलेंगे तो करीब 24 तारीख तक मैं अहमदाबाद में हूँ, उसके बाद मैं सूरत जाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया सूरत में, तो मुझे उससे मिलना है, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी, 26 को मैं घर पहुंचूंगी। तो क्या है, 24 को मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, 20 को डॉक्टर के पास से निकली थी, तो उनका कहना ये कि भाई मुझे पता चले कि आपको क्या हो रहा है तो मैं आपको आगे ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो अभी भी उन्होंने मुझे सुदर्शन घनवट्टी और एक विरेचन दिया है, सुमधुर कुछ ऐसा नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, और उसके बाद एक ये अभिपत्य का चूर्ण, मुझे ये 3 औषधियाँ अभी चल रही हैं, और इन औषधियों के साथ मैं अभी अपने घर पे हूँ। हाँ, अभी मैं संसर्जन क्रम पे चल रही हूँ, अर्थात मुझे अभी जो लेना है भोजन में मुझे नमक नामात्र का लेना है, सबको ये संसर्जन क्रम पे अक्सर चावल का पानी और पतला चावल दिया जाता है, मुझे चावल का पानी नहीं बोला है, मुझे सीधा मूंग की दाल पे लाया गया, मतलब मुझे 4थे दिन का क्रम सीधा दे दिया गया है, पहले 2-3 दिन का क्रम मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि मेरा पेट नॉर्मली साफ है, बस मुझे समस्या क्या है कि गर्मी बढ़ी हुई है, तो मूंग की दाल उन्होंने बताई है, मूंग की दाल का पानी बताया, तो मैंने वो ले रही हूँ, और ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि पेट में भी उतनी स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि जो झड़ा है जो साफ हुआ उसके बाद स्थितियाँ धीरे धीरे बनती हैं, कोई बात नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ, और पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, हाँ खुजली हो रही है, आप देख रहे हैं मैं लगातार कहीं ना कहीं कुछ चल ही रहा है, जब ध्यान कहीं और होता है ना तो अनजाने में खुजली हो जाती है, और जब बैठ जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ। और ये जो 12 दिन मैंने निकाले हैं, लोगों ने मेरे को जो देखा है वो कैसे देखा है मैं आपको भी बता दूँ, मैं लेट के सो नहीं पाती, जैसे मैंने पहले बताया था मैं लेट के सो नहीं पाती थी, तो मैं बैठ के ही सोती थी,
अब बैठ के मैं सोती थी, लेट के मैं मुश्किल से घंटा डेढ़ घंटा सो पाती थी। तो हॉस्पिटल में मुझे एक छूट और मिली थी जो किसी को नहीं मिलती है, मुझे मिली थी कि यदि सो जाए तो उसको कोई उठाएगा नहीं क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी, सिस्टर्स देखते थे, सब देखते थे कि ये रात भर जग रही है, घूम रही है, टहल रही है, सब कर रही है, पर सो नहीं पा रही है। तो मैं जब सो जाऊँ 5 बजे सो जाऊँ तो मुझे 5 बजे, क्योंकि रात भर जगने के बाद मैं 5 बजे कभी सो जाती थी, कभी 3 बजे सो जाती थी। एक रात ऐसी गई जिस रात को मैं 10:30 बजे सो के 3:30 बजे उठी, जो अपना मेरा क्रम था उस पर मैं उठी, तो मुझे लगा शायद मैं ठीक हो गई, पर वो एक ही रात ऐसी गई मेरी जिस रात को मैं ठीक से सोई। तो उसके अलावा मैं ऐसे ही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो रात भर जगती थी, अब करूँ क्या, क्योंकि सबको सोने देना है, सबको तो उठाना नहीं मेरे को, तो सबको सोने देना है, मुझे अकेले जगना है। तो मैं क्या करती थी, कुरमुरा, कुरमुरा बोले या ममरा बोले, गुजरात में ममरा बोलते हैं, कुरमुरा बोलेंगे तो मकर संक्रांति पे लड्डू बनते हैं अक्सर, वो चावल के एक फूला होता है उसके लड्डू बनते हैं, उसको कुरमुरा बोलते हैं। तो उसको है ना वो तेल में हल्का सा फ्राई करके वो हम खा सकते हैं। वहाँ दो ही चीज़ खाने की छूट है, खाखरा और कुरमुरा। तो खाखरा तो मैं रात को खाने में ज़्यादा भारी हो जाता, तो कुरमुरा मैं क्या करती थी, दो दो दाने चम्मच से ऐसे ऐसे झोंका भरती रहती थी ताकि मेरे हाथ व्यस्त रहें और खुजली कम हो। और मैं टहलते टहलते चलते चलते वो एक रात भर में मैं करीब इतना बड़ा डब्बा खाली कर देती थी। तो भाभी ये पूछती थी कुरमुरा कितना है, उस हिसाब से पता चलता था मेरी स्थिति क्या है। और मैंने एक गाना बनाया उस समय, मुझे खाने का शौक नहीं, खाती खुजली भुलाने को तो सब लोग हंसते थे, बोले दीदी आप इसमें भी ऐसे गाने बना लेते हो। मैं भाई जीना है तो खुश होके जियो, क्योंकि तकलीफ तो बहुत होती है, औरों की भी बहुत तकलीफ थी, क्योंकि मित्रों एक महिला ऐसी थी जिसको दिखता नहीं था, कम दिखता था, मतलब पहले उनको दिखाई देता था, उनको कुछ तकलीफ ऐसी हुई जिससे उनको दिखना बंद हो गया, तो उनसे मेरी तकलीफ बहुत कम थी। एक 9 महीने की बच्ची भी थी जो पूरी यूं ही थी, मतलब उसकी छाती बाहर को निकली हुई थी और कमर पूरी अंदर को मुड़ी हुई थी, वो रात भर ऐसे ही रहती थी, उससे मेरी तकलीफ बहुत कम थी। तो मुझे उन लोगों को देख के हौसला मिलता था कि मेरे से लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि लोग मेरे को ये कहते थे आपको इतनी सारी तकलीफ है आप सहन करते हो, हमसे सहन नहीं होगा। पर मैं एक ही बात कहती हूँ, जब तकलीफ आती है तो उसको सहन करने की शक्ति भी आती है और ईश्वर देता है, हम कहीं से अपने आप नहीं लाते, पर ईश्वर सब करता है। तो जो हुआ मैंने आपको बता दिया, जो मैंने किया मैंने आपको वो बता दिया, क्योंकि शायद मेरे दिमाग में इतना ही है। और आप क्या जानना चाहते हैं बता दीजिएगा, वीडियो पे टिप्पणी करिएगा, आगे और बता दूंगी। और हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, और स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न करने हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य रक्षा हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक दिया, आप वहाँ प्रश्न करेंगे स्वास्थ्य संबंधी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ हम प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं दे पाते हैं, इससे जो उत्तर हम करीब 10 दिन लग जाते हैं देने में, तो हम यहाँ उत्तर नहीं दे पाते हैं, वहाँ हम जल्दी उत्तर दे देते हैं क्योंकि वो हमें देने ही होते हैं, वहाँ तो स्वास्थ्य संबंधी बात है और यहाँ थोड़ी आगे पीछे हो जाता है, तो इससे मैं आपको कह रही हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपकी मांग पर हमने बनाया था और क्योंकि आप लोग मुझे इतना झेल लेते, इतना सुन लेते हैं, धन्यवाद। वंदे मातरम।